हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए, जो लूसेंट की हमने सीरीज स्टार्ट की थी फ्रेंड्स, इसमें पार्ट नंबर 1 मैंने अपलोड कर दिया था, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता थी फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा दिया था। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 पर थी फ्रेंड्स। पार्ट नंबर 2 में हम देखेंगे वैदिक संस्कृति थी फ्रेंड्स, यानी कि जो वैदिक काल था, तो उसको देखेंगे थी फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं थी फ्रेंड्स। अगर किसी ने वो वीडियो ना देखी हो तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख ले, ग्रुप डी थी फ्रेंड्स। ग्रुप डी के नाम से प्लेलिस्ट बना दी गई है फ्रेंड्स, ग्रुप डी के नाम से, तो वहाँ आपको वीडियो मिल जाएंगी वो फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स। अब सही दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ बताना है कि पूर्व वैदिक फ्रेंड्स, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है ऑप्शन नंबर ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच, इसे पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन कहता है उत्तर वैदिक संस्कृति का काल फ्रेंड्स, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व फ्रेंड्स। ये देख लीजिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन थोड़ा समझ लीजिए। अगर ये पूछे कि पूर्व वैदिक या फिर ऋग वैदिक संस्कृति का काल, तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व। अगर ये पूछ ले उत्तर वैदिक संस्कृति का काल, तो ये हो जाएगा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व फ्रेंड। समझ गए होगे दोनों क्वेश्चन। अगर ये पूछ ले वैदिक संस्कृति का काल फ्रेंड, पूरी वैदिक संस्कृति का काल, तो ये 1500-600 ईसा पूर्व फ्रेंड्स। समझ गए तीनों क्वेश्चन जैसे जैसे बन सकते थे मैंने बता दिया फ्रेंड। अब थोड़ा स्पीड में चलेंगे फ्रेंड, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्य शब्द इंगित करता है फ्रेंड, आर्य शब्द का क्या मतलब होता है, आर्य शब्द का मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वे नगरों के निवासी थे, तो ऐसा गलत है ठीक फ्रेंड्स, ये सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं ठीक फ्रेंड। वे घुड़सवारी करते थे, वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, लेकिन वे नगरों में नहीं रहते थे ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था ठीक फ्रेंड्स, तो बता दीजिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठीक फ्रेंड, तम्बाकू को तो उनसे कोई लेना देना नहीं था। आगे देखिए, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल के देव विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है ऑप्शन नंबर बी श्रमण ठीक फ्रेंड, श्रमण। आगे चलिए, सातवां नंबर, उत्तर वैदिक ठीक फ्रेंड, वैदिक ग्रंथ गणित का महत्वपूर्ण अंग है, तो वैदिक ग्रंथ का महत्वपूर्ण अंग है ऑप्शन नंबर सी, ये कई बार पूछा है सुलभ सूत्र ठीक फ्रेंड। आगे देखिए, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, तो ये दी गई है ऑप्शन नंबर ऋग्वेद ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, निम्नलिखित वैदिक काल के लिखे ग्रंथों को सही क्रम से अरेंज करें ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पूछा कि जो वैदिक काल के ग्रंथ लिखे गए थे उनको सही क्रम में अरेंज कर दो, तो देखिए इसका हो जाएगा, पहले आएगा वेद, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए एन उम्मेगा। आगे देखिए, वेदों की संख्या कितनी है, तो 4 वेद हैं ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी वेद या वेद त्रयी कहलाते हैं ठीक फ्रेंड, तो इसमें देख लो त्रयी वेद में कौन कौन से आते हैं, उसमें अथर्व वेद नहीं आता ठीक फ्रेंड्स, अथर्व वेद नहीं आता, तो जहाँ जहाँ अथर्व वेद होगा ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ये त्रिवेदी या फिर 3 वेद कहलाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ठीक फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, सत्यमेव जयते, तो ये लिया गया है, बता दीजिए कहाँ से लिया गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लिखा है मुंडकोपनिषद से ठीक फ्रेंड। आगे देखिए, वैदिक ठीक फ्रेंड, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो वो करते थे पशुपालन ठीक फ्रेंड्स। आगे चलिए, भारतीय संगीत ठीक फ्रेंड, संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है सामवेद को, प्रथम विधि निर्माता थे मनु ठीक फ्रेंड्स, ठीक फ्रेंड, प्रथम विधि निर्माता मनु थे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है, तो ये हो जाएगा श्रीमद् भगवद गीता ठीक फ्रेंड, 16वें का ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है ठीक फ्रेंड, तो ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप है ऑप्शन नंबर ए गोधन ठीक फ्रेंड। आगे देखिए, ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का पहली बार उल्लेख मिलता है ठीक फ्रेंड, तो ये मिलता है ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर डी ठीक फ्रेंड, 10वें मंडल में ठीक फ्रेंड, शूद्र का वर्णन मिलता है 10वें मंडल में। आगे देखिए, फ्रेंड पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है ठीक फ्रेंड। आगे देखिए, 20वां वैदिक धर्म ठीक फ्रेंड, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इसमें से किसकी उपासना था, तो बता दीजिए वैदिक काल के लोग प्रकृति की उपासना करते थे। आगे देखिए, किस देवता को पुरंदर कहा गया, इंद्र को ठीक फ्रेंड।
आगे देंगे सुलभ सूत्र। ठीक है, सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित है? ये गणित से संबंधित है। आगे देखिए अस्तो मा सद्गमय, ये कहाँ पर लिखा हुआ है? तो ये है ऋग्वेद में। आगे देखिए आर्य, ठीक है, आर्य भारत में बाहर से आए थे, तो ये सब सबसे पहले कहाँ बसे थे? ठीक है, जो आर्य भारत से आए थे और वो सबसे पहले पंजाब वाले एरिया में बसे थे। ठीक है, 24 में का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए 25 में मिलान करना है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन लॉलीपॉप होते हैं, तो चलिए मिलान करते हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद में क्या होता है? ऋग्वेद में होत और होता होता है। ठीक है, ऋग्वेद में होता या होरोत का वर्णन है, यजुर्वेद में, यजुर्वेद में कहा गया दयुर्वेद। ठीक है, सामवेद को कहा जाता है उद्गाता या उद्गाता, अथर्वेद को कहा गया ब्रह्मा। ठीक है, तो 1 2 3 4 ये ऑलरेडी सही से मिल लेते हैं। आगे देखिए, ठीक है, 26वां नंबर क्या कहता है? वेदों को अपूर्वीय क्यों कहा गया है? ठीक है, वेदों को अपूर्वेश क्यों कहा गया है? तो ये क्यों कहा गया है? ये कहा गया है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है। ठीक है, इसलिए वेदों को अपूर्वेश कहा गया। ठीक है, आगे देखिए वैश्विक दर्शन किसके प्रतिपादक हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूल कणाद के। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मीमांसा। ठीक है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा किसके प्रतिपादक थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैमिनी के। ठीक है, वेदांत, वेदांत या उत्तर मीमांसा किसके प्रतिपादक थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बादरायण के। आगे देखिए ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नौमा मंडल। ठीक है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, तो ये लड़ा गया था पुरुषणी नदी। ठीक है, पुरुषणी नदी के किनारे। आगे देखिए धर्मशास्त्रों में भू राजस्व का दर कितना था? तो धर्मशास्त्र में भू राजस्व का दर था ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 1/6। आगे देखिए 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को किस काल से जोड़ा जाता है? तो ये जोड़ा जाता है ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ब्राह्मण युग से। ठीक है, आगे देखिए 34वां नंबर क्या कहता है? 34वां नंबर कहता है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? तो अछूत की अवधारणा या छुआछूत की अवधारणा हुई थी ऑप्शन नंबर डी, धर्मशास्त्र के काल में। आगे देखिए एशिया माइनर स्थित भोगाज कोई का महत्व इसलिए है? ठीक है, जब भोगाज कोई का अभिलेख वगैरह है तो इसमें वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, तो ये किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ये महत्वपूर्ण है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वहाँ पर अभिलेख प्राप्त हुए हैं जो 4 वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र और नारसत का उल्लेख मिलता है। ठीक है, भोगाज कोई में इन 4 देवताओं का उल्लेख है ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो बता दीजिए ये मिलता है ऋग्वेद में। आगे देखिए न्याय दर्शन के रचयिता थे? तो न्याय दर्शन के रचयिता थे ऑप्शन नंबर बी, गौतम। ठीक है, आगे देखिए भारत में निस्क, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीधा कई बार पूछ लेता PCS वगैरह में। प्राचीन भारत में निस्क से जाने जाते थे, निस्क क्या होते थे? तो बताइए ये होते थे ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर ए, सोने का आभूषण। आगे देखिए योग, योग तो पतंजलि के पर, ठीक है, योग दर्शन के प्रतिपादक थे पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं तो किस पर है ये? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, दर्शन पर। आगे देखिए मिलान करना है यहाँ पर फिर, ठीक है, तो चलिए मिलान करते हैं यहाँ पर। ठीक है, ऋग्वेद में, ऋग्वेद का क्या हो जाएगा? संगीतमय स्रोत। ठीक है, यजुर्वेद का हो जाएगा सुत्रोत एवं कर्मकांड। सामवेद, ठीक है, सामवेद का क्या है? एक सेकंड, तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे मिलान करना था ना, तो देखिए ठीक है, ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में है प्रार्थनाएं, स्रोत और प्रार्थनाएं, यानी कि पहले का चौथा। ठीक है, आगे देखिए यजुर्वेद, यजुर्वेद में क्या है? तो यजुर्वेद में है स्रोत और कर्मकांड, यानी कि बी का दूसरा। ठीक है, सामवेद में क्या है? तो सामवेद में संगीत के बारे में बताया गया है, यानी कि सी का पहला। और अथर्ववेद में है तंत्र मंत्र, ठीक है, यानी कि डी का तीसरा है। 4 2 1 3, 4 2 1 3, 4 2 1 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका। आगे चलिए आरंभिक वैदिक साहित्य में, ठीक है, सबसे ज़्यादा वर्णित नदी कौन सी थी? तो बता दीजिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु नदी। ठीक है, आगे चलिए उपनिषद काल में राजा अशोकपति शासक थे, तो ये कहाँ के शासक थे? ये थे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, केकई के। आगे देखिए आत्मज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद, तो ये मिलता है कहाँ पर? कठोपनिषद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कठोपनिषद में मिलता है। ठीक है, आगे देखिए वैदिक नदी कुंभा, ठीक है, कुंभा तो ये अफगानिस्तान में पड़ता है काबुल। ठीक है, काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है, जो प्राचीन में इसका नाम था कुंभा। ठीक है,
फ्रेंड्स कुंबास्तान या फिर बाद में ये बन गया काबुल, तो ये काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए कपिल मुनि, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शन प्रणाली थी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सांख्य दर्शन। ठीक फ्रेंड्स आगे देखिए भारत के किस स्थल पर खुदाई में लोहो के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अतरंजी खेड़ा, और ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में पड़ता है। ठीक फ्रेंड्स आगे देखिए 48 नंबर क्या कहता है, 48 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ओ ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड्स सामवेद, ठीक फ्रेंड्स संकलन ऋग्वेद पर आधारित है सामवेद ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तायी में शामिल नहीं है, ठीक फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तनई में शामिल नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड भागवत, आगे देखिए कर्म का सिद्धांत, कर्म का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी मीमांसा ने। आगे देखिए टिप्पण, फिर ये मिलान करने वाला आ गया, तो देखिए अथर्ववेद, टिप्पण अथर्ववेद में क्या है तो बताइए, ये हो जाएगा टिप्पण अथर्ववेद में है औषधियों की से संबंधित, टिप्पण और ऋग्वेद, ऋग्वेद में कहा गया ईश्वर की महिमा, यानी कि पहले का तीसरा ठिकाण बी का वन। आगे देखिए यजुर्वेद में क्या कहा गया है, यजुर्वेद में कहा गया है बलिदान विधि ठिकाण, यानी कि सी का दूसरा, और सामवेद ठिकाण सामवेद में है संगीत, तो ये हो जाएगा 3124, 3124 कहीं पे है ठिकाण, 3124 ऑप्शन नंबर ए। ठिकाण आगे देखिए चरक संहिता, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये चिकित्सा का वर्णन करती है। आगे देखिए यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता कहाँ चलता है, तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद में। ठीक आगे देखिए वैदिक युगीन सभा, ठीक वैदिक युगीन सभा क्या थी, तो ये बताइए क्या थी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी मंत्रिपरिषद है। ठीक वैदिक युगीन सभा को मंत्रिपरिषद कहते थे। आगे देखिए वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी, तो ये हो जाएगा गणतंत्र थी। आगे चलिए सबसे प्राचीन वेद है ठिकाण, तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है, ऋग्वेद है। आगे देखिए ठिकाण 57 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन का आरंभिक विचारधारा है, ठिकाण तो ये हो जाएगा सांख्य, ठिकाण ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए सांख्य योग न्याय वैश्विक मीमांसा एवं वेदांत के 6 भिन्न भारतीय दर्शनों में स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है, तो ये कौन सा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वैदिक युग में। ठीक आगे देखिए निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी, तो बता दीजिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोहारगिर। ठीक है लोहारगिरी, तो ये लोहार वगैरह नहीं थे। आगे देखिए ये देखिए फिर आ गया है, ठीक है मिलान करना है यहाँ पर, ये कई बार क्वेश्चन ऐसे घुमा घुमा के पूछता रहता है। ठीक है और ये एक क्वेश्चन देख लो कितनी तरीके से घुमा घुमा के पूछा है, तो चलिए देखते हैं यजुर्वेद। ठीक है यजुर्वेद क्या बोल रहा हूँ मैं, यजुर्वेद नहीं है आयुर्वेद। ठीक है आयुर्वेद का संकलन मिलता है ऋग्वेद में, धनुर्वेद का मिलता है यजुर्वेद में, गंधर्व वेद को सामवेद में, और शिल्प वेद या फिर अर्थशास्त्र तो ये अथर्ववेद में, यानी कि 1 2 3 4 ये ऑलरेडी सही से मिले हैं। ठीक फ्रेंड्स आगे देखिए फ्रेंड्स 61 नंबर देखिए ऋग्वेद में 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है, तो बता दीजिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दूसरे से सातवें मंडल को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहते हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि गोत्र शब्द सबसे पहले कहाँ मिलता है, तो ये ऋग्वेद में मिलता है, और ऋग्वेद के भी कौन से मंडल में, तो दूसरे से सातवें मंडल तक ऋग्वेद के बारे में चर्चा है। आगे देखिए ठिकाण जादू माया या वशीकरण, तो ये हो जाएगा अथर्ववेद। कई बार पूछा आर्य शब्द इंगित करता है, तो आर्य का मतलब ही होता है श्रेष्ठ एकदम महानतम कुलीन व्यक्ति। ठिकाण श्रेष्ठ महानतम कुलीन व्यक्ति आर्य को कहते हैं। ऋग्वेदों की कुल संख्या है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं। आर्य संबद्ध भारत में कहाँ बसे थे, तो बता दीजिए ये कहाँ बसे थे, ये बसे थे ऑप्शन नंबर बी मध्य एशिया से। ठीक फ्रेंड्स क्या बोल रहा हूँ मैं, आर्य भारत में कहाँ से आए थे, तो ये मध्य एशिया से आए थे, और भारत में कहाँ बसे थे ये पंजाब वाले एरिया में। ठीक फ्रेंड्स आगे देखिए कौन सा वेद गद्य के रूप में रचित है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद। आगे देखिए सभा और समिति प्रजापुत्र की 2 पुत्रियाँ हैं। ठीक फ्रेंड प्रजापति की 2 पुत्रियाँ हैं, तो ऐसा किस वेद में मिलता है, तो ये मिलता है अथर्ववेद में। आगे देखिए ऋग्वैदिक युग में प्राचीनतम संख्या कौन सी थी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठिकाण विद्वत। ठिकाण ब्राह्मण ग्रंथों में प्राचीन कौन है, ठिकाण ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है,
तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शतपथ ब्राह्मण, ये सबसे पुराना है। आगे देखिए गोत्र, हिरण गोत्र शब्द सबसे पहले प्रचलन में कब आया था या फिर कहाँ से आया था, तो ये भी मैंने बताया ना उत्तर वैदिक काल में मिलता है यहाँ पर। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है। अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की रानी, यानी कि ए वन क्वालिटी का पुरुष और निम्न वर्ण की रानी, यानी कि हाई कास्ट का लड़का और लो जाति की लड़की। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए हो गए। आगे देखिए प्रतिलोम विवाह, माना प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है, तो प्रतिलोम विवाह का अर्थ था जब उच्च वर्ण की नारी और निम्न वर्ण का ठिकाण उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष से विवाह कर लेती है, तो ऑप्शन नंबर बी ठिकाण उसको प्रतिलोम विवाह कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए ऋग्वेदिक युग में यब, ठिकाण यब कई बार पूछा है, यब बोलते थे जौ को। ठिकाण आगे देखिए ब्रीही, ठिकाण ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ब्रीही किसको कहते थे, ब्रीही कहते थे चावल को। ठिकाण आगे देखिए अथर्व, अथर्व का अर्थ क्या है, तो अथर्व का अर्थ होता था पवित्र जादू। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए यहाँ मिलान करना है तो करते हैं शिक्षा। ठीक फ्रेंड्स, शिक्षा शिक्षा का हो जाएगा ध्वनि शास्त्र, यानी कि पहले का पहला कल्प सूत्र का हो जाएगा कर्मकांड, निरुक्त निरुक्त में हो जाएगा भाषा शास्त्र या शब्द व्युत्पत्ति। ठीक फ्रेंड्स, छंद हो जाएगा छंद शास्त्र, तो 1 2 3 4 ये ऑलरेडी सही सुमेलित हैं। आगे देखिए प्राचीनतम व्याकरण है, ठीक फ्रेंड्स अष्टाध्यायी ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पाणिनि ने लिखी थी। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठिकाण मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम है। आदि काव्य की संज्ञा दी गई है तो किसको दी गई है, ये दी गई है ऑप्शन नंबर ए रामायण को, प्राचीनतम पुराण है। ठिकाण वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे प्राचीनतम पुराण है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मत्स्य पुराण। आगे देखिए ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को कहा गया। ठिकाण आगे देखिए वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी, तो ये आधारभूत इकाई थी ऑप्शन नंबर ए कुल या फिर कुटुंब। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए ऋग्वेदिक काल में उस सबसे प्रधान देवता को पहचानी है जिसकी स्तुति 250 बार की गई, तो 250 बार नाम आया है किसका ऋग्वेद में। ठीक फ्रेंड्स, तो ये आया है इंद्र का। ठीक फ्रेंड्स, 250 बार इंद्र का नाम लिया गया। आगे देखिए किस वेद में सभा को नरिष्ठ और अथार्थ समूह वाद विवाद का उल्लंघन कहा गया है, तो ऐसा कहा गया ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद को। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए किस रचना ने नारी सुरा और पांसा के साथ तीन प्रमुख बुराई शामिल किया गया है। ठीक फ्रेंड्स, बता दीजिए यहाँ पर बताइए कि किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ तीन बुराइयों में शामिल किया गया, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर ए ठीक फ्रेंड्स मैत्रायणी संहिता। आगे देखिए उत्तर वैदिक काल में किस देवता का सर्वोच्च स्थान था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रजापति का। आगे देखिए यहाँ सुमेलित करना है, अब दिखाई दे रहा होगा। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए मिलान करते हैं राजसूय यज्ञ। ठीक फ्रेंड्स, राजसूय यज्ञ क्या होता है, राजा के सिंगारोहण के से संबंधित यज्ञ को राजसूय यज्ञ कहते थे। असव यज्ञ कैसा होता था, तो बताइए, तो ये होता था राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। आगे देखिए वाजपेयी यज्ञ, तो वाजपेयी यज्ञ होता था सौर्य प्रजातंत्र एवं मनोरंजनार्थ के लिए किया जाने वाला यज्ञ। आगे देखिए अग्निनोष्टम यज्ञ, ठीक है अग्निनोष्टम यज्ञ, तो ये किया जाता था देवताओं को प्रसन्न करने एवं अग्नि का पशु बलि दिया जाने वाला सोमरस पान किया जाने वाला यज्ञ। ठीक फ्रेंड्स, तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर फिर मिलान करना है। ठीक फ्रेंड्स, तो कर दीजिए, ये प्रश्नी नदी को प्राचीन काल में रावी कहते थे, सतोत्री को ठीक फ्रेंड्स सतोत्री को सतलज कहते थे, अश्विनी को चिनाब और बिपाशा को ब्यास। ठीक फ्रेंड्स, 1 2 3 4 यहाँ भी सही से मिले थे। आगे देखिए संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, तो बता दीजिए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16। ठीक फ्रेंड्स, एक सेकेंड कहाँ भागा जा रहा है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ देखिए 90 नंबर क्या कहता है, 90 नंबर में मिलान करना है, तो चलिए करते हैं मिलान। यहाँ ब्रह्मा विवाह किसका, ठीक फ्रेंड्स ब्रह्म विवाह होता था समान वर्ण और जाति विवाह। ठीक फ्रेंड्स, ब्रह्म विवाह का मतलब होता था समान वर्ण और जाति विवाह, यानी कि पहले का पहला वैद्य। ठीक फ्रेंड्स, दूसरा है दैव विवाह, तो पुरोहित पुरोहितों का प्राथमिक, ठीक फ्रेंड्स पुरोहितों का प्राथमिक में मिले कन्या के साथ विवाह, तो दूसरे का। दूसरा आर्स विवाह क्या होता था, कन्या मूल रूप से एक जोड़ी गाय और बैल चुकाकर किया जाता था। ठीक फ्रेंड्स, आर्स विवाह समझ लीजिए, कन्या का जो विवाह होता था, तो कन्या को एक जोड़ी गाय और बैल
चुका कर ब्याह किया जाता था। कन्या का ठिकाण कई बार UPSC वगैरह में पूछ लेता है ऐसे क्वेश्चन। प्रजापत विवाह क्या होता था? बिना दहेज के विवाह को प्रजापत कहते थे। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर ठिकाण 90 का। आगे देखिए अगेन फिर मिलान करना है ठिकाण्स, तो कितने मिलान करने हैं आज तो चलिए देखते हैं ठिकाण्स। गंधर्व विवाह किसको कहते थे? प्रेम लव मैरिज को गंधर्व विवाह कहते थे। असुर विवाह किसको कहते थे? कन्या को खरीद कर किया गया विवाह असुर विवाह कहते थे। राक्षस विवाह किसको कहते थे? पराजित राजा की कन्या का रोहण की गई कन्या से विवाह करना, तो इसको राक्षस विवाह कहते थे। पिशाच विवाह किसको कहते थे? सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अवदस्त कन्या को गुमराह करके उसके साथ विवाह करना को पिशाच विवाह कहते थे। यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स यहाँ भी ये है। आगे देखिए तीन 92 नंबर देखिए तीन रण में शामिल नहीं है। ठीक है तीन रण में कौन शामिल नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मात्र रण। आगे देखिए ऋग्वेदिक काल से संबंधित मृतभांड संस्कृति है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गैरुवर्णी मृतभांड की संस्कृति। ठीक है आगे देखिए उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृतभांड संस्कृति है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है डिफरेंस समझ लो, यहाँ पूछा है ऋग्वेदिक काल की जो मृतभांड संस्कृति है तो वो कैसी है, तो वहाँ ऋग्वेदिक काल की है गैरुवर्णी मृतभांड संस्कृति, और यहाँ पूछा उत्तर वैदिक काल की मृतभांड संस्कृति कैसी है, तो ये बता दीजिए ये है चित्रित धूसर मृतभांड संस्कृति। ठीक है यानी कि 94 का बी। आगे देखिए हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृतभांड स्थल के स्थान पर हाल में किए जाने वाले उत्खननों का प्रकाशन आया है, तो बता दीजिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स भगवानपुर। ठीक है अरे पूछ ले भगवानपुर कहाँ पड़ता है, तो ये कुरुक्षेत्र में पड़ता है। ठीक है ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है 95 का। आगे देखिए प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह किसमें पाया गया है, तो ये पाया गया है ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद में। आगे देखिए ऋग्वेद में अगन्य, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है UPSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगन्य का मतलब सीधा पूछ लेता किससे है, तो अगन्य का मतलब होता था गाय से। ठीक है और इस अगन्य का मतलब होता है ना मारने योग्य, यानी कि गाय का वध नहीं किया जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए ये फिर आ गया मिलान करने वाला, तो चलिए देखते हैं। ठीक है मिलान करना है। संग्रहित को कहते थे कोषाध्यक्ष, ठीक है भागदूत को कहते थे कर संग्रह करता। आगे देखिए छता या छती को क्या कहते थे? पासे के खेल में राजा का सहायक, ठीक है और अच्छ बाप क्या होता था? तो ये राजा राजप्रसाद का संरक्षक या प्रतिहारी, ठीक है ये उस टाइम की पोस्टों के नाम थे। ठीक है ये पोस्ट थी उस टाइम पुराने टाइम में। ठीक है संग्रहित करता कौन था? तो कोषाध्यक्ष। ठीक है और भागदूत कौन होता था? तो ये जो इनकम टैक्स वगैरह वसूलता था, ठीक है तो उसको संग्रहकर्ता कहते थे। और वो छाता छती किसको कहते थे? तो राजा जब पासे का खेल खेलता था तो उसमें राजा की जो सहायता करता था उस खेल को खेलने में, तो उसको कहते थे पासा छती। ठीक है समझ गए हो गए। आगे देखिए रित, ठीक है रित स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को रितस्थ गोप कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वरुण को। ठीक है आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मूलतः जल या समुद्र का देवता होता था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वरुण। ठीक है 101 नंबर देखिए तीन क्रमों में तीन लोगों की नाप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा जाता है? ठीक है तीन क्रमों या पगों में या फिर तीन डगों में, कई जगह ठीक है मिलता है ये। तीन पगों में तीन लोग नाप लेने के कारण किसको उपक्रम कहा जाता है? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विष्णु को। आगे देखिए पूषण, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। पूषण को क्या कहते थे तो बताइए? तो पूषण को कहते थे विवाह का देवता। ठीक है रुद्र किसको कहते थे? पशुओं के देवता को। घोष या फिर दोष, तो ये जगत के पिता। अदिति, ये देवों के महान माता। ठीक है देवों की महान माता को अदिति कहते थे, तो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है 102 का ए। आगे देखिए मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, तो ये मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था पर। आगे देखिए गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। अवेस्ता, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है अवेस्ता ये सीधा UPSC में कई बार पूछा जाता है। अवेस्ता धर्म है, तो ये ईरान का। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लक्षणहीन विशेषता नहीं थी? तो ये नहीं थी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर बिलोए के उपयोग से परिचित थे। ठीक है ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है, उन्हें लोहे वगैरह लोहे के उपयोग से परिचित है। ठीक है
ये इनकी विशेषता नहीं है। आगे देखिए, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध में है? ठिकाण तो ये मैंने बताया ना, कुंभा और क्रम, ये अफगानिस्तान में पड़ती थी उस टाइम, ठिकाण था। आगे देखिए, धर्म धर्म या रित भारत के प्राचीन वैदिक ग्रंथ संस्कृति की एक केंद्रीय विचार को विचित्र करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से बताना कौन सा कथन सही है। तो चलिए बताते हैं। तो ये देखिए, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों को संकल्पना करता है, ठीक है। रित मूलभूत नैतिक प्रदान है जो सृष्टि और उनके और उनमें अंतर्निहित सारे तत्वों की क्रियाकलापों को संचालित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी है, ये दोनों ही सही हैं, ठीक फ्रेंड्स। और ये यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे देखिए, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने किया था? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीजी तिलक ने। यहाँ देखिए, मिलान करना है, ठीक फ्रेंड्स। तो चलिए, अब तो पढ़ा दिया सारा, ठीक फ्रेंड्स, मिलान कर सकते हो ना। कुंभा को क्या कहते थे? काबुल। तो पहले का दूसरा सिर्फ बी में है, तो हमारा बी आंसर हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। बाकी आप देख लेना, ये सब कुछ मिलान करा दिया है। ऋग्वेद, ऋग्वेद में कितने सूत्र हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक फ्रेंड्स, कई बार पूछा है, ग्रुप डी वगैरह में सीधा फैक्ट के रूप में 1028 है, तो ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, पूर्व वैदिक आर्यों का मुख्य धर्म क्या था? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकृति की पूजा करना। पतंजलि कौन था, ठीक फ्रेंड्स, बता दीजिए पतंजलि कौन थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाणिनि के संस्कृत व्याकरण का एक टीकाकार, ठीक फ्रेंड्स। पाणिनि कौन थे? तो पाणिनि की पुस्तक है ना, क्या बोल रहा हूँ, पतंजलि ने, ठीक फ्रेंड्स। तो यहाँ हो जाएगा पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार था, ठीक फ्रेंड्स, यानी कि सलाहकार वगैरह होगा ये उस टाइम। आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विधेय माधव से संबंधित ऋषि कौन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक फ्रेंड्स, ऋषि गौतम रहुगण। तो ये हमारी आंसर की आप देख सकते हैं, 114वें का डी है, ठीक फ्रेंड्स। अब पूरी आंसर की दिखा देता हूँ, ठीक फ्रेंड्स, अब दिखाई दे रहा होगा, ठीक फ्रेंड्स। तो ये थी आज की वीडियो हमारी, लगभग 114 क्वेश्चन इसमें हमने देखे ऋग्वैदिक काल के, ठीक फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक फ्रेंड्स। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक फ्रेंड्स। आगे वाला पार्ट हम पढ़ेंगे महाजनपद काल, ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं।